स्टूडेंट्स स्टडिंग हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वे लोग जो है आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स जो है उनके हेल्प से वे हिस्ट्री यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हिस्ट्री मीन्स इंफॉर्मेशन गिवन बाय आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे हमें बताया कि हिस्ट्री का मीनिंग होता है कि इन्फॉर्मेशन जो हमें आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा दी जाती है जो कि ह्यूमन सोसाइटी के बारे में और उनके जो है उनके पास्ट के बारे में जो कि जो है उनके रिसर्च के बेस पर वो हिस्ट्री रहती है, तो उसे जो है हम यहाँ पे हिस्ट्री कहते हैं। दे गो टू एंशियंट प्लेसेस एंड डिग आउट द हाउसेस, पॉइंट्स, ब्रिक्स, स्टोन्स, इम्प्लीमेंट्स, सैंपल ऑफ फूड्स, बॉन्स ऑफ मेन्स एंड वुमेन्स एक्सेट्रा एंड स्टडी देम एंड मेक अस अवेयर अबाउट कल्चर ऑफ मैन ऑफ दैट टाइम। तो यहाँ पे हमें बताया है आगे कि वे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वे लोग जो है उन प्लेसेस एंशियंट प्लेसेस पे जाते हैं एंड वहाँ पे जो है डिग आउट करते हैं, वहाँ पे जो है खुदाई वगैरह करते हैं जिसमें कि हाउसेस, कॉइन्स, ब्रिक्स, स्टोन्स वगैरह की जो है करते हैं। उसके बाद जो सैंपल फूड के उन्हें सैंपल मिलते हैं उस बेसिस पे जो है उस पे और उसके बाद में जो है मैन एंड वुमन्स का जो है यहाँ पे जो बॉन्स है उसके बारे में जो है वो लोग पता करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे हमें जो है उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे जो है यहाँ पे आगे हुए उसके बारे में स्टडी करते हैं एंड उसमें जो है उस टाइम पे लोगों का कल्चर क्या था उसके बारे में हमें यहाँ पे बताते हैं। मैन हैज़ बीन वेंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिंस एंशियंट टाइम। मैनी ट्रैवलर्स हैज़ विजिटेड अदर कंट्रीज टू नोट लाइफ ऑफ पीपल देयर। तो यहाँ पे हमें बताया कि मैन जो है वे लोग हमेशा अपने लाइफ में जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते रहते हैं एंड यहाँ पे जो है काफ़ी सारे ट्रैवलर्स जो है दूसरी कंट्रीज में गए हैं, वहाँ पे रहने वाले पीपल्स के जो लाइफस्टाइल वगैरह है उनके बारे में नोट भी उन्होंने किया है। फ्रॉम द ट्रैवलर डिटेल ऑफ सच ट्रैवलर्स वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ कंट्री। तो यहाँ पे हमें बताया कि वे जो ट्रैवलर्स है जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गए हैं एंड वहाँ पे लोगों की जो लाइफस्टाइल है, पीपल्स की जो लाइफ है उनके बारे में यहाँ पे नोट की है, तो उनसे जो है हमें उन ट्रैवलर्स की हेल्प से हमें यहाँ पे हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में जो है उस कंट्री के कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ जानने के लिए इंफॉर्मेशन मिलती है। इट इंक्लूड्स ट्रैवलर्स लाइक द मेगास्थनीस, प्लिनी, फाइयन एंड ह्यूएनसांग। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ यहाँ पे जो हिस्टोरियंस है एंड जो ट्रैवलर्स है उनके बारे में यहाँ पे हमें नाम दिए गए हैं कि ऐसे कुछ ट्रैवलर्स थे जो कि यहाँ पे जो है दूसरी कंट्री में गए एंड वहाँ पे रहने वाले लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में उन्होंने बताया है। द रिसर्चर्स ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस गिव अस ग्लिम्स ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन विच द फ्लोरिस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। इन इंडिया मैनी सिटीज एक्सटेंड्स मोर देन 4500 years ago. In the same way, it can also be known as the many cities developed on the banks of the river Ganga and nearby area about the 2500 years ago. तो यहाँ पे हमें यह बताया गया है कि हमारे यहाँ पे जो है नॉर्थ वेस्ट में जो फैली हुई यहाँ पे जो रिवर है इंडस रिवर, वहाँ पे जो है हमें हमारे कल्चर के बारे में देखने को मिलता है एंड उसमें हमें बताया है कि यहाँ पे 4500 आज से जो है यहाँ पे 4500 ईयर्स अगो जो है यहाँ पे काफ़ी सारे जो है बिग सिटीज़ वगैरह वे सब उनका जो है एक्सपांड हुआ था एंड यहाँ पे हमें बताया है कि गंगा रिवर जो है उसके रिवर बैंक पे भी आज से जो है 2500 ईयर्स अगो जो है काफ़ी सारे यहाँ पे सिटीज़ जो है वे डेवलप हुए थे। ऑल दिस टूल्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टम्स, फूड, एंटायर टेक्नोलॉजी एंड कल्चर ऑफ पीपल ऑफ द टाइम बाय एक्सप्लोरिंग मैनी सिटीज़ एंड विलेजेस। दे हैव गिव अस इंफॉर्मेशन द रिगार्डिंग कॉटन, बेली, वीट। बिसाइड्स दिस दे हैव ऑल्सो गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमल्स ऑफ दैट टाइम। तो यहाँ पर हमें बताया कि यह सब इंफॉर्मेशन जो है हमें कस्टम्स, फूड्स, एंटायर टेक्नोलॉजी, कल्चर ऑफ पीपल जो है उस टाइम पर लोगों का क्या था उस सब के बारे में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है और उसके बाद में यहाँ पर बताया कि जो सिटी विलेज वगैरह थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग कि कॉटन्स क्या था उनमें उस टाइम पर कॉटन्स कैसे होता था, उनका यूज़ कैसे होता था, वीट जो है उसकी खेती कैसे होती थी, तो इस सब के बारे में भी जो है हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है एंड उस टाइम पे जो है कौन कौन से एनिमल्स थे, उनका किस तरह से यूज़ होता था, इस सब के बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट आर द स्कॉलर्स हु स्टडी अबाउट पास्ट। दे कैटेगराइज द टूल्स, फाउंड्स,
डू रिसर्चर्स कलेक्ट डाटा फ्रॉम द मनुस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स अर्चिव्स एंड देन सब्सक्राइब द डैम इन द रिगर्सेस वेयर आर्कियोलॉजिस्ट एंड द हिस्टोरियंस ब्रिंग पास्ट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वे जो स्कॉलर्स होते हैं वे जो है पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशंस निकालते हैं एंड यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ये सब होते हैं एंड उस बेस पे वे लोग रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है ये हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं एंड ये जो है आर्कियोलॉजिस्ट ये डिफरेंट डिफरेंट हमें जो यहाँ पे मिले होते हैं टूल्स वगैरह उन्हें डिफरेंट डिफरेंट जो है टूल्स में डिवाइड करते हैं, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और उस पर जो है वे लोग रिसर्च करते हैं। उसमें जो है वे लोग कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स डॉक्यूमेंट्स अर्चिव्स वगैरह जो होते हैं उन सब के बेसिस पर वे जानते हैं कि वे किस टाइम का होगा, कब रहा होगा, उस टाइम पे लोगों के लाइफस्टाइल क्या होगी, उस सब के बारे में वे जानते हैं एंड ये जो है जीवंत एग्जाम्पल हमारे सामने जो है प्रेजेंट करते हैं। नेम ऑफ द लैंड, तो यहाँ पे जो है हमें हमारे लैंड का जो नेम है उसके बारे में बताया गया है। वी नो आवर कंट्री बाय टू नेम्स, इंडिया एंड भारत। तो यहाँ पे हमें बताया कि हम सब जानते हैं कि हमारी कंट्री जो है दो नाम से जानी जाती है, इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया इज डेराइव फ्रॉम इंडोस विच इज़ कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो इंडिया वर्ड है ये इंडोस जो है वहाँ से डेराइव हुआ है जिसे कि जो है संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। पीपल ऑफ एंशियंट ईरान एंड ग्रीस वेर फेमिलियर विथ द इंडोस रिवर। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो एंशियंट टाइम में ईरान एंड ग्रीस के जो पीपल्स थे वे लोग जो है इंडोस रिवर से पॉपुलर थे, उससे वे फेमिलियर थे। दे केम इन टू कॉन्टेक्ट विथ दिस रीजन 2600 ईयर्स अगो। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वे जो है 2600 ईयर्स अगो जो है यहाँ पे आए थे। द ईरानियंस कॉल्ड द इंडोस रिवर इंडोस एंड द पीपल ऑफ द ग्रीस कॉल्ड इंडोस। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ईरानियंस जो पीपल्स थे वे लोग इंडोस रिवर को जो है हिंडोस कहते थे एंड यहाँ पे ग्रीस के पीपल जो है वे लोग इंडोस कहते थे। दे न्यू द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर बैंक एस इंडिया। तो यहाँ पे जो है हमें बताया है कि वे लोग जो है यहाँ पे रिवर बैंक जो है जो कि ईस्ट में थी उससे वे जानते थे। वी नो अबाउट द नेम भारत फ्रॉम ऋग्वेदा। ऋग्वेदा, तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमें जो भारत वर्ड है वह ऋग्वेदा में देखने को मिलता है। ए ग्रुप ऑफ पीपल नेम्ड भारत केम टू सेटल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इट इज़ फ्रॉम देयर नेम डेट अवर कंट्री केम टू बी नोन एज द भारत। दिस ग्रुप इज ऑल्सो मैंशन इन द अर्ली वर्क ऑफ संस्कृत एग्जाम्पल ऋग्वेदा। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि ऋग्वेदा में जो है हमें भारत वर्ड जो है हमारी कंट्री का वह जानने को मिलता है और यहाँ पे बताया है कि भारत नाम का जो मानव समूह था वे यहाँ पे जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आकर सेटल हुए थे जिससे हमारी कंट्री का नाम जो है भारत पड़ा और हमारी कंट्री को भारत के नाम से जाने जाना लगा। इसके बारे में जो है हमें संस्कृत में ऋग्वेदा में जानने को मिलता है। जैसे कि लाइक एग्जाम्पल की तरह से देखें तो हमें ऋग्वेदा में जो है यहाँ पे संस्कृत में इसे जानने को मिलता है। डेडलाइन, तो यहाँ पे जो है हमें डेडलाइन के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम हिस्ट्री के बारे में कुछ भी जानते हैं तो उसमें जो है हम डेट ईयर वगैरह मेंशन करते हैं तो उस बेसिस पे जो है डेडलाइन किस तरह से यूज़फुल है, कैसे ये जो हुआ इसके बारे में हमें यहाँ पे बताया है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, इवेंट्स कैन बी रिटन अलॉन्ग विद द टाइम एंड प्लेस। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हिस्ट्री में जो है टाइम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। कोई भी इवेंट्स है तो वह जो है हिस्ट्री में डेट एंड प्लेस के साथ में और टाइम के साथ में जो ही लिखा जाता है कि कौन से डेट पे जो है कौन सा इवेंट कौन से टाइम पे और कौन से प्लेस पे हुआ था। तो इसलिए जो है हिस्ट्री के लिए टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन रिलेट टाइम विथ डेट मंथ एंड ईयर सच एज जुलाई 20, 2018 फ्राइडे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हिस्ट्री के लिए जो है हम जो टाइम है उसे डेट के साथ मेंशन करते हैं। तो टाइम जैसे कि मंथ ईयर एंड डे जो है यह हम जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तरह से यहाँ पे हमें बताया गया है कि जुलाई 20, 2018 फ्राइडे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हम टाइम डेट मंथ ईयर जो है मेंशन करते हैं। एज पर इट टाइम इज़ एसोसिएटेड विद बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द डेट लाइन। वी कॉल इट एनो डोमिनी एडी विच मीन्स
ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। तो यहाँ पे हमें यह बताया है कि ये जो होता है टाइम, ये जो है टाइम का यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो जीसस के बर्थ के टाइम से जो है उसे यहाँ पे जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि एडी मीन्स होता है एनो डोमिनी, इट मीन्स कि जो जीसस है उनके बर्थ के टाइम के पहले, और इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि उनकी बर्थ के बाद का जो है यहाँ पे वो उसके बारे में आगे बताया गया है। तो एडी मीन्स एनो डोमिनी विच मीन्स ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, मतलब कि जो है एडी मीन्स कि जो जीसस है उनके बर्थ के बाद के टाइमिंग में जो हुआ वो हुआ, जिसके लिए हम जो है एडी का यूज़ करते हैं। 2000 एडी मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। तो यहाँ पे हमें बताया कि एग्जांपल की तरह से जो है 2000 एडी यानी कि जो जीसस है उनके बर्थ के 2000 ईयर्स के बाद में वो इवेंट्स या कुछ ऐसा हुआ। और उसके बाद में बताया है कि सिमिलरली बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट मीन्स ईयर्स बिफोर बर्थ ऑफ जीसस। तो यहाँ पे हमें बताया है कि बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट, बीसी मीन्स होता है कि जो जीसस है उनके बर्थ के पहले के टाइमिंग में जो है उसे हम बीसी के नाम से जानते हैं। तो जीसस के बर्थ के पहले जो हुआ, जो इवेंट्स वगैरह हुए उसे कहते हैं बीसी। तो जैसे कि आप एग्जांपल की तरह हमें बताया है 2000 बीसी मीन्स 2000 ईयर्स बिफोर क्रिस्ट ऑफ जीसस क्रिस्ट। तो यहाँ पे आगे बताया है कि जो क्रिस्ट थे उनके, जीसस क्रिस्ट थे उनके जो है बर्थ के 2000 ईयर्स के पहले में जो है इवेंट्स हिस्ट्री वगैरह जो है उसे हम 2000 ईयर्स बिफोर बीसी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको बीसी एंड एडी के बारे में जो है आपको यहाँ पे समझाया है बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। तो यहाँ पे जो है बीसी मीन्स फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी एंड फिफ्थ सेंचुरी। उसके बाद में एडी मीन्स फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी एंड फिफ्थ सेंचुरी। डेटलाइन शोइंग एडी एंड बीसी ऑफन इज रिटन एज सीई इंस्टेड ऑफ एडी एंड बीसी इज रिटन इंस्टेड ऑफ बीसी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कई बार जो है एडी के प्लेसेस पे सीई भी लिखा जाता है एंड बीसी के प्लेस पे जो है बीसी भी लिखा जाता है। सीई मीन्स द कॉमन एरा वाइल, सीई का मीनिंग होता है कॉमन एरा वाइल यानी कि जो नॉर्मल साधारण युग जो होता है उसे हम कहते हैं कि कॉमन एरा। बीसी मीन्स द बिफोर कॉमन एरा, तो बीसी मीन्स की जो कॉमन एरा है उसके बिफोर, उसके पहले का टाइम, तो बिफोर कॉमन एरा। एस क्रिश्चियनिटी इज एसोसिएटेड विद द मोस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वी यूज द सेम डेडलाइन इन इंडिया एज इन द मैनी नेशंस। तो यहाँ पे हमें बताया है कि क्रिश्चियनिटी का ये जो एसोसिएटेड ये है, यह पूरे वर्ल्ड में जो है सब जगह पे ये डेडलाइन यूज़ होती है, उसी तरह से हमारे इंडिया में भी जो है इस तरह से यहाँ पे इसका डेडलाइन का यूज़ होता है। इन मैनी केसेस द वर्ड बीपी इज ऑल्सो विच मीन्स बिफोर प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कई बार जो है हम बीपी वर्ड्स के बारे में भी जानते हैं यानी बीपी वर्ड्स भी कई जगह मेंशन होता है, तो बीपी मीन्स होता है बिफोर प्रेजेंट यानी प्रेजेंट का जो टाइम है उसके पहले के टाइम में। बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट, एडी मीन्स एनो डोमिनी, बोथ आर ग्रीक वर्ड्स विच मीन्स इन द ईयर ऑफ गॉड, एग्जाम्पल 2018 एडी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि एडी मीन्स जो है एनो डोमिनी होता है एंड ये दोनों वर्ड्स है एडी जो है, ये दोनों जो है एनो डोमिनी दोनों ही ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कि जो है ईयर्स ऑफ गॉड्स, तो यानी भगवान का जो ईयर्स होना है वह माना जाता है, जैसे कि एग्जांपल 2018 एडी। उसके बाद में है स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हमें बताया कि स्टोन इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, एज इंस्क्रिप्शन कार्ड ऑन स्टोन। तो यहाँ पे हमें बताया है कि स्टोन पर जो खुदवाया जाता है उसे हम जो है इंस्क्रिप्शन जो है उसे हम स्टोन इंस्क्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद में है बर्च बार्क, थिन इनर लेयर ऑफ द ट्री एंड बर्च ऑन विच एंशियंट टेक्स्ट वेयर रिटन। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हिमालय का जो है भुर्ज नामक एक यानी कि बर्च बार्क जो है इस नाम का एक जो ट्री है बर्च नाम का, उसके जो चाल होती है उस पर यहाँ पे ये जो है इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिखे जाते हैं रिटन में, तो उसे जो है हम यहाँ पे बर्च बार्क कहते हैं। एज योर टीचर अबाउट अदर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री लाइक आर्काइव्स, हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आपके टीचर्स की हेल्प से जो है बाकी आप काफ़ी सारे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री जो है जैसे कि आर्काइव्स, हिस्टोरियंस, ट्रैवलर्स के बारे में जो है आप आपके टीचर के साथ में जान सकते हो उनके हेल्प से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये लेसन कम्प्लीट हुआ, यहाँ पे आपको आगे ये एक्सरसाइज दी गई है जो आपको नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू सो मच।